हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पे मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी, या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। नाउ जनरली ऑल दिस सर्किट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, वी हैव डिस्कस्ड एनकोडर्स, वी हैव डिस्कस्ड डिकोडर्स, वी हैव डिस्कस्ड मल्टीप्लेक्सर्स, डी मल्टीप्लेक्सर्स, ऑल ऑफ दिस सर्किट्स दे आर कॉल्ड एज ICs, और यू कैन से इंटीग्रेटेड सर्किट्स। And each of these integrated circuits, we give some number to them so that it will be easier to identify these ICs uniquely. For example, here you can see, if we have a 16x1 multiplexer, we give an IC number 74150 to the 16x multiplexer. The IC number for 8x1 multiplexer is 74151. In the same way, for even if you have D multiplexers, they are having an IC number. Even if we are having a functions, like for example we have decoders, so 3x8 decoder, it is having an IC number. Even if you have encoders or priority encoders, each of these elements of digital logic, or you can say digital circuits, they are having some IC numbers. So whenever we want to make a complicated circuit, now we do not really design everything from the beginning, but rather we just use these ICs, we use the functions of these ICs to design some very very complicated circuits. And sometimes now it is not the case that every time you have to design it. Even a lot of computer programs are also available. You can just tell them, this is what I want, this is the logic that I want, and they can give you the entire design of the circuit. Now there's a problem with it. Sometimes if you're just going to use these ICs as it is, it is very easy to design the circuit in that manner, but it might happen that circuit is not minimized. It is also there's also a possibility that you can even further minimize the circuit. Okay, so in those cases we try to create something more, we try to create something special. Let us look at all of these things one by one. So this is a portion which is a theoretical portion, and this portion is if you know it is fine, because most of it is a theoretical portion. Even the next topic that I'm going to cover, hazards, from this hazards only one question came in gate in last 25 years, and that question was also from gate 2006. So again, these are the two topics that you can skip if you want to, but again nothing harms if you just spend 5 to 10 minutes to go through these topics. It is very helpful. Okay, so let us look at this theory here. So you can see, whenever you design circuits, right? So whenever you design logic devices, so this is called as programming logic devices, or you can say PLDs. So there's a disadvantage of using ICs, or you can say integrated circuits. According to the number of ICs that you are using, your circuits are defined. For example, you have large scale integration, or you can say LSI. We have very large scale integration, or you can say VLSI. We have small scale integration, which is called as SLI, and so on. So number of circuits or number of ICs that you are going to use in the circuit, according to that you define what is the kind of circuit is it.
I mean, is it a large scale integration? For example, you are having a very complex machine, or you're having a very complex server system, you're having a very complex television. So obviously they are going to have lots and lots of ICs. They're going to use thousands of ICs. So again, that is a very large scale integration. So according to the number of ICs that you are going to use in a circuit, that will define what kind of circuit is it. Is it a VLSI, very large scale integration, or is it a LSI, or can say large scale integration? In this manner, it is defined. Now, if I'm directly going to use the ICs, agar main ICs ko directly use karunga, now what is the disadvantage? So if I'm directly going to use the ICs, so these ICs are going to take a lot of space on the board, because what we do is we have the breadboards, and on those boards we embed the ICs and then we do connections using the soldering wire. Okay, and because we have to use large number of ICs, then the power requirements will also be high, and there's a lack of security. Sometimes it is also very easy to hack a given IC, right? Koi aisi IC ho sakti hai, maybe your computer is giving some kind of IC which is easily hackable, right? So there's a lack of security, as well as the lot of additional cost, space and power requirement to modify the design to introduce more features, right? Again, you have to modify the design, you have to again make the entire programs from the beginning. So it is going to be a lot of cost, lot of cost will be utilized in that. So these are a lot of disadvantages of using ICs to design circuits. Now, what can be the solution for this? Iska solution kya ho sakta hai? So one of the solution for this is that we can use ASIC. ASIC, that is application specific integrated circuits. Jaise, for example, instead of using ICs to design a television, rather we can design the entire circuit from the beginning just to create television. Now, what is the benefit of that? Uska benefit kya hoga? The benefit is, first of all, it will be your unique design, because you can create a logic, but logic you want, and then you can try to minimize that logic. And after minimizing the logic, you will get a unique minimal expression for every circuit. So you can implement that minimal expression to implement that logic, right? So is tarike se aap iske liye, you can make a unique circuit for every application you want. Now, what is the benefit of that? The benefit is, first of all, the circuit can further be minimized. Jaise agar ICs ko use karne ke baad hamara circuit kuch bada circuit ban sakta tha, because we are already using the ICs which are already available in the market. We are just assembling those circuits and we are just connecting the wires accordingly. But instead of doing that, if you design the entire circuit from the beginning and we want to minimize the entire circuit, then you will be able to get a circuit which is very minimized, as well as it will be very efficient also in terms of working, right? So what is the advantage here? So reduced space requirement, because obviously you can minimize the circuit. Secondly, reduced power requirement, because you are going to minimize the number of ICs that is required, or number of gates that is required. Third, considerable cost reduction if produced in a very, very large scale. So this is just like you have a Apple mobile phone. So if you just want to create two or three mobile phones, that is going to be very expensive, because you have to do a lot of R&D, you have to do a lot of research just to create a model, just to create the hardware structure. But when you are going to create this mobile phone at a very, very large scale, maybe you are creating 1 billion mobile phone every year. To create 1 billion mobile phone every year, the total cost can also be minimized. In the same way, large reduction in size through the use of high levels of integration, and the design implementation in this form are almost impossible to copy. Because obviously, why it is impossible to copy? Because you'll always get an unique circuit. Aapko hamesha ek unique circuit milega, because there is a minimized expression, right? And you can get a patent for this expressions. Okay, but what is the disadvantage? Disadvantage is, initially you have to do a lot of research to create the circuit. So obviously, the initial development cost may be enormous, or you can say it will be very, very high. And second is, because you have to design the circuit from the beginning, so you have to check whether the circuit is correct or not. For that, you have to do a lot of testing. So testing is also required. So again, this is one more disadvantage. Now, what can be the solution of this problem also? Dekho, humne sabse pehle kya kiya? First of all, we used ICs to create a circuit. Then we used, this is your application specific integrated circuits. And the third solution is to use your ROM. Okay, so just read this paragraph. So another approach which has advantage of both the above method is the use of programming logic devices, or you can say PLDs. A programmable logic device is an IC that is user configurable and is capable of implementing logic functions. It is an LSI, that is large scale integration chip, that contains a regular structure and allows the designer to customize it for any specific application. That is, it is programmed by the user to perform a function required for this application. Okay, let me explain you first, then पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
देखो बेसिकली PLDs क्या होता है, सो समटाइम्स यू हैव प्रोग्रामेबल डिवाइसेज जस्ट लाइक यू हैव अ रोम रैंडम एक्सेस डिवाइस और रीड ओनली मेमोरी, राइट? सो रीड ओनली मेमोरी इज प्रोग्रामेबल. यू कैन प्रोग्राम दोज डिवाइस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन यू वॉन्ट टू परफॉर्म. सो बेसिकली रोम इज ऑल्सो इन IC, बट देर इज अ बेनिफिट दैट यू कैन प्रोग्राम दैम, आप उनको प्रोग्राम कर सकते हैं. ओके, जस्ट लाइक यू हैव अ मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर एज इट इज द मल्टीप्लेक्सर इज अवेलेबल, यू कैनॉट प्रोग्राम, यू कैनॉट चेंज द वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लेक्सर टू डू समथिंग एल्स. बट वैन यू हैव अ रोम देन यू कैन चेंज द यू नो एप्लीकेशन ऑफ अ रोम और कैसे यू कैन चेंज द डिज़ाइन दैट यू वॉन्ट. सो दैट रोम इज बेसिकली अ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज. सो देर एग्जिस्ट सम डिवाइसेज विच इज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज, एंड इफ यू यूज दोज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज यू विल स्टिल बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ बोथ ICs एज वेल एज ASIC. आप दोनों का जो बेनिफिट है वो साथ में ले सकते हैं. एंड वट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? द फर्स्ट बेनिफिट, बिकॉज यू डू नॉट हैव टू क्रिएट द एंटायर सर्किट फ्रॉम द बिगिनिंग, सम पोर्शन ऑफ द सर्किट इज ऑलरेडी अवेलेबल, यू जस्ट हैव टू मेक सम स्मॉल चेंजेस इन दैट. सो दैट इज वाई, सो लो डेवलपमेंट कॉस्ट विल बी देयर, लो स्पेस रिक्वायरमेंट विल बी देयर. बाय लो स्पेस रिक्वायरमेंट बिकॉज यू ओनली हैव टू प्रोग्राम इट, आपके पास सर्किट पूरा अवेलेबल है, आपको उसके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रोग्राम करना है. दैट इज वाई लो स्पेस रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट, लेस पावर रिक्वायरमेंट, हाई रिलायबिलिटी, easy circuit testing because it will be very easy to test. Once I show you the diagram, then you will understand it is so easy to implement it. And easy design modification, maybe you want to modify the design in the future, it will be very easy. And less design time, high switching speed, high design security, and lot of things, right? So obviously in your examination, they are not going to ask these benefits. In GATE examination, they mostly ask the question which are numericals. They do not ask such kind of theory. But again, this theory is important so that you know इसका मतलब क्या है, वाई आर वी इवन डूइंग इट. सो वेन एवर यू आर स्टडिंग अ सब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आपको पता हो कि आप सब्जेक्ट को क्यों कर रहे हैं. इफ यू नो द रीजन वाई आर डूइंग इट, देन यू विल डू इट करेक्ट. इफ यू डू नॉट नो वाई आर इवन डूइंग इट, देन यू विल नेवर डू इट करेक्ट. तो हमेशा आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि आप ये कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज बेनिफिट्स ऑफ PLDs ओवर ASIC. सो यू कैन स्टडी बाई योर सेल्फ, आप इसको पढ़ सकते हैं. दिस इज फॉर यू ओनली, ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज रिटर्न फॉर यू सो दैट यू कैन मे बी प्रिपेयर नोट्स फॉर देम. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रोम. तो ये एक रोम का एग्जाम्पल है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन वट रोम इज. सो बेसिकली इन अ रोम यू यूज अ डिकोडर. राइट नाउ हियर वी हैव 5x32 डिकोडर, दैट मीन्स वी हैव 5 इनपुट्स एंड वी हैव 32 आउटपुट्स. एंड वट वी डू हियर इज वी ट्राई टू यूज दीज lines here, जो भी lines यहाँ पर बाहर जा रही है, and we try to use these lines and we try to connect the circuit on this line. Okay, let me first show you, then I'll explain. देखो जैसे you can see it here, यहाँ पर आप देख सकते हैं. What we do is here, if I want to represent a function, let us suppose this is A7 as a function. So what I can do is I can connect here. So this is these are some outgoing lines. So if I want to implement a function which is having a specific requirement, अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, यू वॉन्ट अ स्पेसिफिक आउटपुट, यू कैन जस्ट बर्न दिस सर्किट ओवर देयर. इसको बोलते हैं बर्न करना. जो हमें सोल्डरिंग मशीन होती है, सो विद द हेल्प ऑफ सोल्डरिंग मशीन यू कैन जस्ट यू नो सोल्डर द मेटल ओवर अदर मेटल सो दैट दे कैन हैव अ कनेक्शन. द सेम वे हियर यूजिंग दिस, आप यहाँ पर इसको बर्न करते हैं, यानी कि दोनों कनेक्ट करते हैं. सो यू कैन कनेक्ट दीज आउटगोइंग फंक्शंस लाइक दिस, एंड यूजिंग दीज आउटगोइंग डिवाइसेज हियर, सो यू विल बी एबल टू इंप्लीमेंट लॉट ऑफ फंक्शंस जस्ट बाई यूजिंग वन डिकोडर. तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ डिकोडर, कुछ फंक्शंस को आप परफॉर्म कर सकते हैं. सो इफ यू हैव सच काइंड ऑफ डिजाइन वेर यू आर यूजिंग अ डिकोडर एंड देन वी आर हैविंग सम वैल्यूज लाइक दिस, आई मीन सम लाइंस लाइक दिस विच आर कनेक्टेड, सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज ए रोम और यू कैन से रीड ओनली मेमोरी. सो वाई इट इज कॉल्ड एज ए रोम? सो बेसिकली देर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ रोम. यू हैव रोम वेयर यू कैन जस्ट बर्न इट एंड मे बी यू कैन नॉट प्रोग्राम इट इन द फ्यूचर. तो आपके पास अलग तरह की रोम होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अ रोम इज नॉट अ स्पेशल सर्किट. रोम इज जस्ट अ डिकोडर विद सम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन, जिसको हम कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं. जो भी हमें आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ से फंक्शन के साथ. अकॉर्डिंग टू वन वैल्यू ऑफ द इनपुट ओनली वन ऑफ देम विल बी एक्टिव, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इफ दैट लाइन इज एक्टिव देन ऑब्वियसली आई कैन गेट आउटपुट वन फ्रॉम हियर. तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू, लेट मी फर्स्ट शो यू, देन मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल्स हियर. ठीक है, सो हियर दिस दैट सर्किट दैट आई शोड यू, उस सर्किट को हम बोलते हैं रोम. वी कॉल इट एज ए रोम. सो बेसिकली वी हैव 4 काइंड्स ऑफ रोम. फर्स्ट इज एम रोम,
second one is PROM, third one is EROM, and the fourth one is double EROM. Okay. Now these ROMs are not specifically useful for gate. ये gate के लिए इतना specifically useful नहीं है. But from other examinations, if you are preparing for UGC NET, if you are preparing for examinations like ISRO or DRDO, or some other examinations which are lower level examination, in those examinations, they ask the full form of these ROMs. कि इन सभी ROM की full form क्या है? वो इनके बारे में full form के बारे में पूछते हैं. And they do not ask a lot of in-depth details. So first of all, let's go through them. So obviously this theory is for you. ये मेरे लिए नहीं है. This theory is for your understanding. You can make notes based on this. As I said, I'm not going to go too much in-depth in this. मैं इसमें बहुत ज़्यादा in-depth में नहीं जाऊँगा because gate में इसमें ज़्यादा questions नहीं पूछे गए हैं. You can just look at the full form right now. One is mask programmable read-only memory, which is called as MROM. Okay. So here, basically, when we have mask programmable read-only memory, so whenever you have this kind of ROM, so for example, there's a company called as ASUS. So as when you turn on the computer, you will see that ASUS is written on the board, on your screen. जब आप computer को on करते हैं, तो जो आपका motherboard manufacturer है आपके system का, अगर आपने MSI से बनाया है, तो MSI दिखाता है. अगर आपने ASUS से बनाया है, तो ASUS दिखाता है, right? तो आप उसको change नहीं कर सकते. राइट जो भी आपका मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर है सबसे पहले वो अपना लोगो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करता है जिसको आप चेंज नहीं कर पाते हैं. राइट तो वो जो चीज़ें हैं वो कैसे होती है कि जो कंपनी है वो कुछ रोम को बाय करती है फिर वो मैन्युफैक्चरर से कुछ मॉडिफिकेशंस को कराती है और फिर वो वहाँ पर उसको डालती है. यू कैन जस्ट रीड इट हियर. सो दिस टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी द यूजर स्पेसिफिक डेटा टू बी स्टोर्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ द मेमोरी द डेटा पैटर्न स्पेसिफाइड द यूजर आर प्रोग्राम्ड एज अ पार्ट ऑफ द फैब्रिकेशन प्रोसेस. वंस प्रोग्राम्ड the data pattern can never be changed. एक बार अगर आपने प्रोग्राम किया तो उसके बाद जो आपका डेटा पैटर्न है वो चेंज नहीं किया जा सकता. ओके सो जनरली इन योर सिस्टम्स यू हैव MROM एंड देन यू हैव PROM. PROM PROM इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी. दैट मीन्स यू कैन इवन चेंज द डेटा पैटर्न. राइट सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ मेमरी कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर विदाउट एनी डेटा स्टोर्ड इन इट. द डेटा पैटर्न इन द प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिकली बाय द यूजर यूजिंग अ स्पेशल सर्किट नोन एज PROM प्रोग्रामर एंड यूजिंग the PROM programmer you can even program it. Okay, so इसको एक बार भी program कर सकते हैं and maybe the once the program the data cannot be altered and this type of memory is called as a PROM. Next we have erasable programmable memory. That means if you have a PROM and you can also erase it. अगर आप PROM के साथ erase भी कर सकते हैं then it is also called as EPROM. So in this type of memory, the data can be written any number of times. That is, they are reprogrammable. यानी कि इसमें आप जो data है उसको कितनी बार भी लिख सकते हैं. And the last one is EEPROM. That is electrically erasable and programmable read-only memory. Okay. So where the erasing is done electrically rather than exposing the chip to the ultraviolet radiation. So for example, here in case of EEPROM, we can जो आपका ROM है उसको हम ultraviolet radiations पे expose कर सकते हैं and the data can be erased. But when I have EEPROM, so in this case, data can only be erased electronically. वो ultraviolet rate से delete नहीं होता है. So basically, you should only know what is this ROM. ROM क्या होता है and how can you implement a circuit using this. Let me show you. तो इसे circuit कैसे implement कर सकते हैं. So if you can see it here, तो अगर हमें जैसे ये आपके पास एक decoder है, right? So you can see ये जो है आपके पास this is a decoder. Right? This decoder is a 3x8 decoder. So we have 3 input lines and we have 8 output lines. Now I want to implement a function here. So the first function is a complement b c plus a c complement plus a b complement c. I want to implement this function. तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो function है this is presenting 0 1 1. This is a c complement. So इसको आप लिख सकते हैं a c complement B and A B complement C, correct? तो C complement. तो ये क्या होगा आपके पास? This is 110 and this is 100 and this one is 101. So यानी कि 3, 6, 4 and 5. तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे. We are going to look at the locations which is 3, 6, 4 and 5 और हम लोग उन सभी 3, 6, 4 and 5 location पर हम इसको connect करेंगे. So basically when I see that here in this diagram, तो अगर आप इस diagram में अगर आप check करेंगे, so I'm just going to connect those as a circuit. मतलब उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर connect करेंगे, even though it is not shown here, उसको यहाँ पर शायद show नहीं किया गया है. I think they have done these connections here. यहाँ पर हमने इसको connect किया है.
इट इज़ नॉट शोन प्रॉपरली हियर बिकॉज यहाँ पर जो कनेक्शंस हैं, यू कैन सी इन दिस एंड गेट वी हैव ओनली वन इनपुट एंड वी हैव ओनली वन आउटपुट, इट इज़ नॉट शोन प्रॉपरली इन द डायग्राम, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वट वी आर ट्राइंग टू से. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम फिक्स्ड अरे की बात करते हैं, दैट मीन्स इन द लोकेशंस विच इज 3, 6, 4 and 5, वी कैन पुट बर्न मार्क, यानी कि हम उन लोकेशन पर इसको बर्न कर सकते हैं, एंड देन वी कैन अप्लाई एन ऑर गेट हियर, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन f1. इन द सेम वे फॉर द फंक्शन f2 वी कैन ऑल्सो बर्न इट. तो फंक्शन f2 के लिए भी हम इसको बर्न कर सकते हैं. इन दिस मैनर यू कैन इम्प्लीमेंट दीज सर्किट्स. तो इस तरीके से हम इन सर्किट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. करेक्ट, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द वर्क इन प्रोग्रामेबल रूम. ओके, सो आई थिंक आप डोंट हैव टू गो लॉट ऑफ इन डेप्थ. अगर इन डेप्थ रिक्वायर्ड है तो मैं ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा. वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. वंस आई एम गोइंग टू सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट क्लियर. ठीक है, आई थिंक दिस मच थ्योरी इज एनफ. इतना थ्योरी आपको पता होना चाहिए, ये आपके साथ काफ़ी है. दिस मच थ्योरी इज एनफ एज ऑफ नाउ. वंस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, देन वंस वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन यू विल लर्न अ लॉट. ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर hazards. So again, from hazard, they have asked only one question, that is in 2006, in last 25 years, only one question was there. So that is why I'm just going to give a brief introduction to the hazard. And once I will solve that previous year question, lot of things will get clear to you. आपको जैसे ही हम previous year questions करेंगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो clear हो जाएंगी. Okay? So now let us look at hazards. So what are hazards? Hazards basically कुछ unwanted conditions होती हैं. Sometimes ऐसा हो सकता है कि जो आपका डिजिटल सर्किट है उसमें कुछ अनइवन डिले हो सकता है, राइट? तो उस अनइवन डिले की वजह से जो आपका आउटपुट आना चाहिए था कुछ समय पर, वो उस अनइवन डिले की वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हज़ार्ड. तो आई शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, देन आई एक्सप्लेन द थ्योरी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग इस थ्योरी के पास जाएंगे. तो जैसे कि एक सर्किट है, राइट, यू कैन सी दिस सर्किट. नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सर्किट? इनपुट इज पी आर एंड क्यू. द आउटपुट इज PR complement plus QR. Now, I hope it is visible. Yes. So, let us assume if I am giving 0 here as input, if I am giving 0 here as input, if I am giving 0 here as input. So, what will happen? This 0 will go here. So, 0 jo hai wo yahan par jayega, and here this R will give us 1. And here this NOT gate, it will give us 1. And agar yahan par mere paas ye 0 hai, then again from here I will get a 0. From here also I will get a 0, so output is 0. तो आउटपुट क्या होगा आपके पास? यहाँ पर 0 होगा. बट वट इफ यू गिव अ 1? अगर हम यहाँ पर 1 देते हैं, यहाँ पर 1 देते हैं और यहाँ पर 1 देते हैं, वट इफ यू गिव अ 1? सो इफ यू गिव अ 1, लुक इट वेरी वेरी केयरफुली. इफ यू गिव अ 1, सो दिस विल गिव अस अ 0 हियर, तो यहाँ से इसके पास 0 जाएगा. एंड दिस 1 वी विल गिव दिस 1 हियर, तो यहाँ पर इसके पास 1 जाएगा. दैट मीन्स दिस 1 शुड गिव आउटपुट एज 0 एंड दिस विल गिव आउटपुट एज 1. So the total output here is 1. So total output आपके पास circuit का वो क्या है? 1. Correct? Now just understand one more very important thing. Each of these gates that we use in our circuit, each of these gates are having some kind of, what should I say, delay. Right? So whenever you give some input, they produce the output after some delay. Maybe after like 5 nanoseconds or 10 nanoseconds of delay, they produce output. Right? So what if here currently the circuit is working like this, but what if suddenly we decide to change this input R from 1 to 0? Humne R ko 1 se lekar 0 mein change kar diya. What will happen? This 0, this gate will get this 0 instantaneously. Is gate ko jo 0 hai wo instantaneously milega. But because of this NOT gate, there will be some delay between conversion of this 0 to 1. Abhi jo 0 hai, let us assume if this NOT gate takes 5 nanosecond of delay. So after 5 nanosecond of delay, this 0 will be changed to 1. So what will happen because of that? Currently, हमारे पास तो value कितनी थी? हमारे पास 1 थी. Currently, हमारे पास value 1 थी. But here, this 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 and 1 will change this output as 0. And this 1 and 0 will change this output as 1. So this changes output as 0. So 0 or 0 is equal to 0. 0 और 0 क्या हुआ हमारे पास? 0 जो आउटपुट था वो 1 से लेकर 0 में चेंज हुआ. बट क्या होना था? बट बिकॉज आई हैव पास्ड दिस 0 आफ्टर 5 नैनोसेकंड ऑफ डिले, ये जो 0 है यहाँ पर पहुँचेगा एज ए 1. ये 0 यहाँ पर पहुँचेगा एज ए 1. सो बिकॉज ऑफ दैट 1 एंड 1 विल गिव अस अ 1 हियर, एंड फर्दर दिस विल ऑटोमेटिकली चेंज टू 1. ये जो ऑटोमेटिकली है ये 1 में चेंज हो जाएगा. मेरे कहने का मतलब क्या है कि
अगर यहाँ पर पी और क्यू के अंदर अगर आप वन पास कर रहे हैं और इस आर के अंदर आप चाहे कुछ भी वैल्यू को पास करें, चाहे इस आर के अंदर जीरो को पास करें या फिर इस आर के अंदर वन को पास करें, योर आउटपुट शुड ऑलवेज बी वन, आपका जो आउटपुट है हमेशा वन होगा। बट वेन यू चेंज दिस इनपुट, अगर आप आर के अंदर जीरो से वन में ट्रांजेक्शन किया या फिर वन से जीरो में ट्रांजेक्शन किया, बिकॉज ऑफ द डिले ऑफ दिस सर्किट, इस नॉट गेट के डिले की वजह से, योर मोमेंटली मे बी फॉर फाइव नैनो सेकेंड मोमेंटली दिस आउटपुट विल फ्लक्चुएट फ्रॉम वन टू जीरो एंड देन अगेन इट विल कम बैक टू वन। तो ये जो है, ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ए हजार्ड। सो आपके पास दो तरह के हजार्ड है, फर्स्ट इज स्टैटिक वन हजार्ड, दैट मीन्स इनिशियली योर आउटपुट वॉज इनपुट वॉज वन, अगेन फॉर मोमेंटली इट वॉज आउटपुट वॉज चेंज टू जीरो, सो दिस इज आउटपुट, राइट? सो इनिशियली योर आउटपुट वॉज वन, मोमेंटली द आउटपुट चेंज टू जीरो एंड अगेन इट विल अगेन कम बैक टू वन। एंड सेकेंड इज स्टैटिक जीरो हजार्ड, दैट मीन्स इनिशियली योर आउटपुट वॉज जीरो बट फॉर मोमेंटली इट विल चेंज एज वन एंड देन अगेन इट चेंज टू जीरो, राइट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस स्टैटिक वन हजार्ड, वी गेट दिस स्टैटिक वन हजार्ड इन केस ऑफ योर एस ओ पी एक्सप्रेशन, और यू कैन से योर एंड और लॉजिक। जैसे यहाँ पर ये एंड गेट है और यहाँ पर आपके पास एक और गेट है, तो जो आपके पास एंड और लॉजिक होता है वहाँ पर आपके पास हमेशा स्टैटिक वन हजार्ड आता है। और अगर आपके पास पी ओ एस है, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि और एंड लॉजिक, अगर आपके पास और एंड लॉजिक है तो वहाँ पर आपके पास स्टैटिक जीरो हजार्ड आता है। सो हजार्ड्स आर बेसिकली मोमेंटली कंडीशंस विच कैन चेंज द आउटपुट ऑफ द सर्किट विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, ओके? सो लेट अस रीड सम थ्योरी अबाउट इट, देन वी विल कम बैक हियर, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी को समझते हैं फिर इसको करने की कोशिश करेंगे, ओके? रीड द डेफिनेशन। अ हजार्ड इफ एग्जिस्ट इन द डिजिटल सर्किट कॉजेज अ टेम्परेरी फ्लक्चुएशन इन द आउटपुट ऑफ द सर्किट। जो हमारे पास आउटपुट है उसके अंदर एक टेम्परेरी फ्लक्चुएशन होती है हजार्ड की वजह से, हजार्ड की वजह से। अ हजार्ड इन डिजिटल सर्किट इज अ टेम्परेरी डिस्टर्बेंस इन आइडियल ऑपरेशन ऑफ द सर्किट विच इफ गिवन सम टाइम गेट रिजॉल्व इट सेल्फ। आफ्टर सम टाइम जो फ्लक्चुएशन है वो अपने आप को रिजॉल्व कर लेगी, ओके? अब ये कब अकर होता है? वेन एवर आपके पास जो पाथ्स के अंदर इफ देयर इज अ प्रोपगेशन डिले, यानी कि दो अलग अलग पाथ है, तीन अलग अलग पाथ है एंड देयर हैविंग सम डिफरेंट गेट्स, और कुछ डिले है जो सिग्नल है उसको यहाँ से लेकर दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए जो डिले है वो अनइवन है, सम पाथ्स आर लेंथी, सम पाथ्स आर शॉर्ट, या फिर इन सम पाथ्स यू आर हैविंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ गेट्स, सम पाथ्स आर नॉट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ गेट्स, सो बिकॉज ऑफ दैट देर विल बी अ डिले इन ट्रांजिशन ऑफ द यू नो जो आपका सिग्नल है उसको ट्रांजिशन करने में डिले होगा, ओके? सो बिकॉज ऑफ द डिले, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइम डिलेज ड्यू टू दिस फैक्ट, चेंजेस इन द इनपुट वेरिएबल डज नॉट चेंज द आउटपुट इंस्टेंटली बट डू अपियर एट द आउटपुट आफ्टर अ स्मॉल डिले, राइट? तो कुछ डिले के बाद यहाँ पर हमारे पास ऐसा होता है। सो बेसिकली वी हैव थ्री काइंड ऑफ हजार्ड, फर्स्ट इज योर स्टैटिक हजार्ड, सेकेंड वन इज योर डायनेमिक हजार्ड एंड थर्ड वन इज योर फंक्शनल हजार्ड। तीन तरह के हजार्ड आपके पास, स्टैटिक हजार्ड, डायनेमिक हजार्ड और फंक्शनल हजार्ड, ओके? सो मोस्ट ऑफ टाइम व्हेन आई हैव से स्टैटिक हजार्ड, तो आपके एग्जाम में आ सकते सिर्फ स्टैटिक हजार्ड आया है, दैट इज व्हाई आई एम ऑल्सो only discussing about static hazards, but there are some hazards which also occur in your asynchronous circuits. आपके पास जो asynchronous sequential circuit है वहाँ पर आपके पास जो कुछ hazards occur होते हैं। तो basically हमारे पास तीन तरह के hazard है जिसको हम बोलेंगे, पहला static hazard, दूसरा dynamic hazard, और जो तीसरा hazard है उसको हम बोलते हैं essential hazard, right? तो आप यहाँ पर check कर सकते हो, this functional hazard or you can say this is essential hazard. So basically whenever you have asynchronous sequential circuit, so in your asynchronous sequential circuits there exists a functional hazard. So if required we will cover it after sequential circuits, but again because they have not asked any question based of this, इसीलिए हम इसको cover नहीं करेंगे। on hazards सिर्फ एक question cover हुआ है, तो इसके हम उस question को भी करेंगे अपनी exercises के अंदर, ठीक है? तो अब आपके पास दो static hazard है, पहला static one hazard, second is static zero hazard. You can read the theory by yourself. I've explained you what is the static one hazard and what is the static zero hazard, okay? After this, so how can you detect a hazard? आप hazard को कैसे detect कर सकते हैं? देखो, hazard को detect करना एक already एक funny process है, because if you remember that we have created K-maps. तो K-maps के अंदर you try to identify what are implicants, what are prime implicants, and what are essential prime implicants. Correct? So in K-maps, sometimes there is no essential prime implicant. अगर आपके पास कोई essential prime implicant नहीं है, that means in every prime implicant there exists an overlapping. So in that cases most of the time there exists an hazard,
राइट, जैसे जैसे लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो यू कैन सी इफ यू रिप्रेजेंट दिस सर्किट, इफ यू रिमेंबर दिस सर्किट हियर, अगर आप इस सर्किट को रिमेंबर करेंगे, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द केमैप फॉर दिस सर्किट. नाउ इन दिस सर्किट, व्हेन यू ट्राई टू क्रिएट इम्प्लीकेंट्स हियर, सो दिस इज वन प्राइम इम्प्लीकेंट, दिस इज अनदर प्राइम इम्प्लीकेंट, एज वेल एज दिस इज अनदर प्राइम इम्प्लीकेंट. तो यहाँ पर आपके पास यू हैव थ्री प्राइम इम्प्लीकेंट्स, राइट. आउट ऑफ दीज थ्री प्राइम इम्प्लीकेंट्स, विच ऑफ देम आर असेंशियल, दिस इज योर असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, एज वेल एज दिस इज ऑल्सो असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, बट वी हैव नॉट एडिड दिस वन. हमने इसको एड नहीं किया बिकॉज इट इज जस्ट अ प्राइम इम्प्लीकेंट बट इट इज नॉट असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, करेक्ट. सो एनी सर्किट वेन यू हैव दिस काइंड ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स दैट आर नॉट असेंशियल एंड यू मिस देम, जैसे आपने इसको यहाँ पर सर्किट को मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज द सर्किट, आई हैव मिस्ड इट, राइट. सो इफ आई मिस्ड इट देन इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम काइंड ऑफ हजार्ड्स. समटाइम्स हैविंग अ हजार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन यू वॉन्ट टू रिमूव हजार्ड्स इन सम ऑफ द सर्किट्स. इन सम सर्किट्स हजार्ड्स आर सो माइन्यूट दैट इट इज सच अ स्मॉल वैल्यू, दैट इज फॉर नैनो सेकेंड्स, यू कैन ईजिली यू नो इग्नोर द हजार्ड्स, राइट. कुछ केसेज में आप हजार्ड्स को इग्नोर करते हैं, कुछ केसेज में आप हजार्ड को इग्नोर नहीं कर सकते. सो ऑब्वियसली इफ इन एनी सर्किट लाइक हियर देर एग्जिस्ट एन हजार्ड, तो हमें क्या करना है, हमें इफ आवर एम इज टू रिमूव द हजार्ड, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि ये जो हमने जो प्राइम इम्प्लीकेंट हमने मिस किया था, the prime implicant that we missed, we have to add these prime implicant in this circuit so that we can have alternate options for the same equation. Aapke paas alternate options honge, then what will happen because of that, then hazards jo hai usko wahan se hataya ja sakta hai, usko minimize kiya ja sakta hai. So obviously ek bahut funny process hai ki pehle to humne study kiya ki humne circuits ko kaise minimize karna hai. We have studied how to minimize the circuit. After minimizing the circuit, we got to know कि अगर हम ऐसे minimize करते हैं, so obviously they it might create a hazard. तो अगर हमें hazard को remove करना, तो इसको minimize नहीं करना चाहिए था. We have to go back to the previous process. So again, this is funny, I understand. But again, sometimes it is important to remove hazard. Sometimes it is not. So for example, if I want to remove my static one hazard, हमें अगर static one hazard को remove करना था, तो यहाँ पर ये जो आपने miss किया था, what was this? Let me get the equation here. So this is representing P and this is representing QR and this is representing QR complement. तो ये हमने क्या miss किया था? We have missed QP. हमने यहाँ पर QP को miss किया था. So that means in this circuit, I have to take this P, I have to take this Q, I have to apply AND gate and then give this as a input to this OR gate, right? So अगर हमने जो AND gate को जो हमने minimize किया था, जो हमने miss किया था, हमें उसी को दोबारा से यहाँ पर ऐड करना है सो दैट आई कैन मिनिमाइज दिस हजार्ड. सो यू कैन सी आई हैव एडेड दिस पी क्यू हियर. इस पी क्यू को हमने यहाँ पर ऐड किया एंड नाउ आफ्टर एडिंग दिस पी क्यू आई कैन रिमूव दिस हजार्ड इजीली. ओके, सो यू कैन सी वंस डिटेक्टेड अ स्टैटिक वन हजार्ड कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग सम मोर टर्म्स लॉजिक गेट्स टू द फंक्शन. यानी कि हम अगर हजार्ड एग्जिस्ट करते हैं तो उसका ये सॉल्यूशन है कि आप उसमें एक्स्ट्रा टर्म्स को ऐड कर सकते हैं जिससे हमारे लॉजिक फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. दैट विल बी एक्स्ट्रा और रिडंडेंट गेट्स सो दैट द हजार्ड्स कैन बी रिमूव्ड. द मोस्ट कॉमन आइडिया इज टू ऐड द मिसिंग ग्रुप इन द एग्जिस्टिंग बुलियन फंक्शन एज एडिंग दिस टर्म विल नॉट अफेक्ट द फंक्शन बाय एनी मीन बट इट विल रिमूव द हजार्ड सिंस इन अबव एग्जाम्पल द पेयर ऑफ वंस encircled with the blue circle color causes the static one hazard. So we just added this prime implicant to existing function as follows. हमने बस यहाँ पर जो PQ हमारा prime implicant था हमने उसको add किया और हमारा जो hazard है वो यहाँ से remove हो गया. Okay, so this was one static one hazard. In the same way, when you study a static zero hazard, in case of a static zero hazard, you have a product of some expression POS. So that POS again you can create a K-map and if there's any prime implicant that we have missed and there exists a hazard in the circuit, then you have to add that prime implicant to the circuit so that that hazard can be removed. So in that way, you can remove it, okay? So I think I've just explained you static hazards. मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ static hazards ही explain किए हैं. So static hazard means either we have a you know, this hazard which is static zero or static one. So इसको हम लोग कई जगह पर stuck at zero hazard भी बोलते हैं और stuck at one hazard भी बोलते हैं. There are having multiple names, okay? Then you have dynamic hazard. So dynamic hazard means if there exist more than one hazard, then such hazards are basically dynamic. Again, not required for us as of now. Isko bhi requirement nahi hai. And this functional hazard also is not required because
as I said, we are also following the previous year gate questions. But later on, what I will do is, after the end of this entire subject, हमारे पास अगर कुछ time बचेगा, after the end of this entire subject, I will also teach this entire topic in more details. Once I take some previous year question based on hazards, I will cover this topic in more details. Then maybe you can understand and learn a lot of things, okay? So this much is enough for combinational circuit. From next session onwards, let us start with your next topic, which is your sequential circuit. हम अगले session पे sequential circuit के साथ start करेंगे. Okay, I hope that you enjoyed this video. Let us move on to the next topic.